हैदराबाद में मंचीरियाल जिले के बेलमपली में सौतेले पिता ने सौतेले बेटी को शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। यह मामला देरी से उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में बालानगर के IDPL कॉलोनी के माधवी और बेलमपली के मलेश के बीच कुछ दिनों तक नाजायज संबंध थे। मलेश ने शिक्षा के नाम पर माधवी की बेटी को बेलमपली बुलवा लिया, जहाँ पर उसने उसे शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया था। तत्पश्चात उसने उसे एक ऑटो ड्राइवर के पास भेज दिया, जहाँ पर ड्राइवर के साथ अन्य तीन लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। कुछ दिनों के बाद उसे बुखार आने से मलेश की पत्नी लक्ष्मी ने उसे बेलमपल्ली के स्थानीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक ने उसका परीक्षण किया। तत्पश्चात चिकित्सक ने बताया कि वह गर्भवती है। इसी बीच मलेश ने बेलमपल्ली पुलिस थाने में शिकायत की। शिकायत में उसने बताया कि हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में समोसे बेचने वाला एक व्यक्ति और अन्य कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की। इस पर पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पापा ने उसे शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। तत्पश्चात एक ऑटो ड्राइवर के पास भेजा, जहां पर अन्य तीन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस फिलहाल एक मामला दर्ज कर इस पर कार्रवाई कर रही है।